देखिए इधर में 20 इंच का एक स्टिक लिया, और 56 कॉर्ड लिया, एट कॉर्ड लेके ऐसे डिजाइन होगा। देखिए लास्ट वाला जो कॉर्ड है इसको थोड़ा और एक बार पाइपिंग कर लेती हूँ। इधर टोटल 56 कॉट है, देखिए 4 कॉट लेके सिंपल नॉट लगाना है। देखिए टोटल 4 नॉट लगाया, अभी इस साइड से 2 कॉट छोड़ना है।
देखिए अभी पांच लाइन बना लिया। पांच लाइन बनाने के बाद फिर दो करके ऐसे दोनों साइड से छोड़ना है और सिंपल ऐसे ही नॉट लगाना है। फिर से और दो कॉर्ड छोड़ना है। अभी इधर जैसे डिज़ाइन बनाई थी इस साइड भी वैसे ही बनाना है, तो मैं इस साइड का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गए। अभी इसमें देखिए पहले एक फिर दो फिर तीन फिर से दो फिर एक। करने के बाद देखिए फिर इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे। करने के बाद ऊपर जो ये जो डिज़ाइन है फिर नीचे भी ऐसे ही डिज़ाइन बनाना है। देखिए डिज़ाइन मैंने बना लिया। तो इधर क्या क्या, पहले एक लाइन ऐसे बनाया नॉट लगाया, फिर दोनों साइड से कॉर्ड छोड़ छोड़ के पहले फोर नॉट लगाया, फिर थ्री फिर टू फिर वन, ऐसे करके घटाया। और अभी इधर पांच लाइन बना लिया। पांच लाइन बनाने के बाद फिर से ऐसे घटाते घटाते एक तक आए। फिर इधर नौ लाइन बना लिया। बनाने के बाद फिर से घटाया एक तक। फिर इधर तेरह लाइन बनाया। तेरह लाइन बनाने के बाद फिर एक तक घटाया। फिर इस साइड में भी ऐसे ही है। नौ लाइन बनाने के बाद फिर घटाना स्टार्ट किया। फिर इधर पांच लाइन बनाने के बाद फिर घटाया। फिर एक लाइन बनाने के बाद फिर घटाया। और इधर देखिए ये पहले एक डिज़ाइन बना है, फिर दो डिज़ाइन, अभी तीन डिज़ाइन बनेगा। तीन के बाद फिर चार, फिर से तीन, फिर से दो, फिर से एक, ऐसे करके कंप्लीट करना है। तो मैं ऐसे करके पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले एक बनाया फिर दो बनाया, एक बनाने के बाद एक गांठ लगाया, फिर ये बनाया, फिर ये डिज़ाइन बनाया, फिर गांठ लगाया, फिर डिज़ाइन बनाया, फिर गांठ लगाया, फिर डिज़ाइन बनाया। तो पहले एक फिर दो फिर तीन फिर चार, फिर इसी साइड भी ऐसे ही किया, पहले तीन दो एक। अभी इधर जो कॉट है देखिए मैं काट के चिपका लिया।
अभी इधर डोरी बनाना है। देखिए अभी ये जो दो कॉर्ड है इसको छोड़ के अब देखिए ये धागा को अभी ऐसे लगाना है, कपड़े सिलने वाला जो धागा है कोई धागा,